तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे जुवियन नौकरानी बात करते हैं, सोचते भाई अब आगे यहाँ पे क्या करे, सामने से अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी जो मेन कैरेक्टर है ना, वो जो चेंग नाम का बंदा था किसान का बेटा, उसकी ओर यहाँ पे देखता है और उससे कहते हैं कि अभी चलो भाई सामने से यहाँ पे जब तुम्हारे दिमाग में सोल्यूशन नहीं आता तो खुद का सोल्यूशन यहाँ पे तैयार करने का। तो कहता है उसके पास कि हाँ चल भाई यहाँ पे तू कबूल कर ले, यहाँ पे तूने पत्थर पे लिखा जी चेक भाई पूरी की पूरी यहाँ पे बर्बाद हुई, कबूल कर कबूल कर कबूल कर। सामने से कहते भाई मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मुझे लगे था स्टार्टिंग से मैं तुझे वाकई में किमल के बारे में ऐड नहीं था और तूने जानबूझ के मेरे ऊपर यहाँ पे नाम लगाया। जो सुनते सामने से मैं कहता बोलते तुझे ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, देख भाई तू यहाँ पे कबूल कर ले, सामने से कबूल कर ले भाई, इसमें तेरी यहाँ पे भलाई होने वाली है वरना सारे गांव वाले को भाई मैं हम खत्म कर देंगे। जो सुनते वो कहता भाई साले तेरी माँ का भाई लग ही था तू, मतलब एक नंबर कमी ना भाई, सामने से कोई क्रिमिनल नहीं मिला मेरे ऊपर नाम लगा दिया। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ भाई तूने वाकई में ये सही अंदाजा लगाया, मुझे कोई क्रिमिनल नहीं मिला इसलिए भाई मैंने तेरे ऊपर नाम यहाँ पे लगा दिया। सामने से तू यहाँ पे कबूल कर लेगा तो ठीक है, वरना हर गाँव वाले के जो भी बंदे ना मैं सबको यहाँ पे जान से मरूंगा। पीछे सुनो कहानी पे कहते भाई क्या बकवास कर, अभी हमें गाँव वाले को बचाना है ना कि मारना है। जो सुनते ये कहता भाई तू शांत हो ना भाई, मैं यहाँ पे बात करो ना उससे, यहाँ पे कहते कि हाँ भाई चल बता भाई क्या कर तेरा करने का विचार है भाई, देख तू अपने यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देगा ना, तू जाके बोल दे कि अभी मैंने क्राइम किया तू सेफ रहेगा, वरना भी हम लोग पूरे गांव वाले को मार डालेंगे, तो बोल बोल क्या करेगा। जो सुनते सामने से लड़का ऐसा हंसने लगता है और वो हंसते हंसते यहाँ पे कहता है साले भाई मतलब तेरा दिमाग भी एकदम यहाँ पे अलग ही चलता है, सामने से क्यों तू यहाँ पे ऐसा करे भाई, क्यों भाई ऐसा करने से तेरा भी यहाँ पे भलाई वगैरह होने वाला ही नहीं है, तो छोड़ दे उनका पीछे भाई, मुझे मालूम है तू एक समझदार बंदा है, तू मेरी बात यहाँ पे समझेगा। जो सुनते सुवियन का देख समय तू कहना यहाँ पे क्या चाहता है। जो सुनते सामने से चेंग कहता है किसान का बेटा देखो भाई सामने से मुझे मालूम है कि जो कोर्ट है तू कोर्ट के लिए यहाँ पे काम करता है, कोर्ट के यहाँ पे तू ऑफिशियल मेंबर है, तो सामने से भाई काम कर भाई कोर्ट यहाँ पे करप्ट है यानी भाई बेकार है द्रोही है, तो सामने से ये बात तुझे मालूम है तो उसका साथ छोड़ के भाई मेरे साथ मिल जा भाई, मुझे भी छोड़ दे और सामने से भाई गांव वाले को भाई उनको भी यहाँ पे कुछ मत होने दे, बचा ले सबका यहाँ फायदा होगा, तेरा भी कोर्ट का नुकसान होगा सामने से मेरा भी और गाँव वालों का भी। जो सुनते सामने से चेन बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो भाई हम यहाँ पे तैयार है तुम्हारी मदद करने के लिए। बोल के सामने से ओके तो तेरा नाम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, समझ गया ना चेंग भाई से चेंग शेन समझ गया ना, ओके तो ओके ठीक है भाई अब से मेरा नाम यहाँ पे चेंग शेन हो जाएगा। उसके बाद से मैं कहते यहाँ पे बाहर सड़ जाता हूँ, कहता ओके ओके ओके, वो जो किसान का बेटा था उसने सामने से यहाँ पे कबूल कर लिया कि अभी वही यहाँ पर क्रिमिनल है और वापस से हम गवर्नमेंट के पास है ना उसे यहाँ पे भेजने वाले, तो जल्दी से कुछ बंदे यहाँ पे जाओ और जल्दी से उसे पकड़ के लेके जाओ। तो वांग नाम का दूसरा एक बंदा था ऑफिसर, वो कहता ओके भाई यूसी भाई आप तो काफ़ी जीनियस काफ़ी कमाल को भाई, एक ही रात में आपने यहाँ पे केस सॉल्व भी कर दिया। एक कहता है या आप नहीं कमाल का भाई क्या ही करे भाई, एक रात में तो हो ही जाता है। और सामने से फिर नौकरानी को लेके आता हूँ, कहते यहाँ पे रही बात है इसका भाई, तो ये भी यहाँ पे भाई गुनहगार है लेकिन इसको सजा भाई सामने से मैं दूंगा, तो इसके साथ गवर्नमेंट को कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, मेरा घर यहाँ पे बहुत ही बड़ा है, घर के अंदर भाई कमरा बंद करके यहाँ पे उसके साथ मैं छानबीन करूंगा, समझ गया ना मेरा क्या कहने का मतलब है। वो लोग कहते या समझ गया, अब सबके सब यहाँ से निकल जाते उसको लेकर उस गुनहगार को लेकर गवर्नमेंट के पास। सामने से मैं कहते यहाँ पे खुश क्या है, क्या ये सील है भाई, मतलब ये जो सील का दुनिया है मजा आ गया भाई, ये सील तोड़ के मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा भाई, तुझे ऐसी नौकरानी को ना गुलाम बना के रखने का मन कर रहा है, उसे गुस्सा आता और रस्सी वस्सी तोड़ दे। तो कहती साले कमीने भाई मेरे साथ यहाँ पे नाटक मत कर, तूने अभी अभी उससे कहते चल भाई मैं तेरी बात यहाँ पे समझ गया, तेरी मदद करूंगा गाँव वाली की मदद करूंगा, लेकिन एंड में भाई तूने उसके ऊपर नाम लगा दिया कि हाँ भाई तू ही कमीना भाई इसने क्राइम किया और सब ले भाई उसे यहाँ पे गवर्नमेंट के पास लेके चले गए। अभी तू करना क्या चाहता है भाई, कभी कुछ बोलता कभी कुछ करता है। जो सुनते मेन कहते कहते अरे वही तो भाई यही बात तुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, सामने से देखो भाई मेरा यहाँ पे क्या था सील कहने का मतलब, हमारा जो मेन टास्क है सिले में सामने से उस बंदों के पता करने का नहीं है जिसने भाई यहाँ पे पत्थर पे लिखा था भाई, वो तो सामने सुपर वाले ने लिखा, हम उसको यहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे। मेन काम था जो हिस्ट्री में पहले भी यहाँ पे हो चुका ना, सामने से वापस से भाई उसको यहाँ पे दोहराया जाए, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हिस्ट्री यहाँ पे भाई चेंज हो जाएगा, तो समझ गए ना। जो सुन कहते हैं हाँ लेकिन हिस्ट्री में एक्जैक्टली क्या हुआ था, तू यहाँ पे क्या दोहरवाना चाहता है। जो सुनते मैं कहते यहाँ पे समझा, देख भाई हिस्ट्री में यहाँ पे सामने से हुआ था चेंग भाई नाम का आदमी, सामने से जो ये किसान यहाँ पे बेसिकली था भाई किसान का बेटा, उसने हिस्ट्री में सब बवाल क्रिएट कर देता भाई, क्या बोलते जो हमारे फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे ना अंग्रेज के खिलाफ ऐसे जा चुके थे पूरा हल्ला वाला किए थे, एग्जैक्टली सामने से चेंग भाई आके जाके ना जो गवर्नमेंट है ना भाई कोर्ट बेसिकली जो कि यहाँ पे गद्दार कोर्ट है उनके खिलाफ जाता है पूरा ऐसा बवाल यहाँ पर क्रिएट करना है, तो सामने से वाकई में ऐसा यहाँ पे हो तो वो मैं करवाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए ना। जो सुन के कहते ओके समझ के लिए भाई तुम्हें हिस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज है, मुझे लगा नहीं था। जो सुन के ये भी कहता है हाँ नॉलेज, अरे नॉलेज तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, सामने से तू यहाँ पे क्या समझेगी, मैं आखिर तेरा यहाँ पे जो टीचर जो ठहरा, लेकिन एक समय भाई मैं तो मैथ का टीचर हूँ और मैं यहाँ पे हिस्ट्री का ज्ञान पे रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो। सामने नौकरानी से कहता है कि ओके ठीक है भाई
तो ये काम यहाँ पे हो चुका है। अगला जो काम है ना, जाके हम उसे यहाँ पे बचाना है और जो उसको भाई पकड़ के लेकर गए, ताकि भाई जो भी आगे का जो वो करेगा ना बवाल, वो आगे चल के करे। तो नौकरानी बोलता ओके ठीक है। उसके बाद सचिन शो था, कुछ समय बाद जो लोग यहाँ पे लेके जा रहे थे भाई गवर्नमेंट के पास, उसको खबर आती है जो वांग नाम का बंदा था वो भी जा रहा था, तो खबर आती है उसके पास कि यहाँ पे सामने से जिसको हम लेके जा रहे थे भाई, अचानक से दो बंदों ने हमला किया, हमारे यहाँ पे कुटाई की, हमारे आधे बंदों को मार दिया। उसके बाद तो जो क्रिमिनल था भाई उसको अपने साथ लेके चले गए। ये वांग के तो क्या बकवास करो भाई, तुम सब इतने सारे बंदे रहते भर में भी निकल गए, शीट भाई क्या सामने से होगा भाई। और उसको याद आता है जुएन ने उसे ये भी कहता जाते जाते कि अभी बाई चांस वो क्रिमिनल भाग गया, फिर उसके यहाँ पे कुछ हो गया ना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भाई तुम्हारी यहाँ पे बैंड बजा के रख दूंगा सामने से, इसकी तो फट जाती शीट भाई अब क्या करे। तो कहता है कि यहाँ पे काम करते भाई, वो गाँव गाँव में यहाँ पे पक्का लौटेगा, जाके वो यहाँ पे गाँव में आग लगा दो और गवर्नमेंट को बोल दें कि अभी सामने से कोई बंदा सामने यहाँ पे तैयारी ना कबूल करने के लिए, इसलिए भाई सारे के हमने पूरे गाँव को जला के रख दिया। तो लोग बंदे लोग कहते ओके ठीक है। उसके बाद सीन शो था भाई सुवियन की और साथी में नौकरानी की, और इन दोनों भाई जाके भेस बदल के उसको बचा के लेके आए थे। उसके बाद से भाई उसको यहाँ पे छोड़ देते कि यहाँ पे ओके ठीक है भाई निकल जा। और जैसे अपने गांव में वापस लौटता है, गांव में लौटते यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सामने पूरा का पूरा यहाँ पे भाई गाँव में आग लगा दिया गया है। तो यही बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री में हुआ था, सामने से यहाँ पे सरकार बोली थी, सरकार ने सामने से भाई गांव में आग लगा के गांव वाले को मार दिया था, जो आगे देख के भाई इस लौंडे को यानी किसान के बेटे को आता गुस्सा और ये बवाल यहाँ पे क्रिएट करता भाई गांव वाले को इंसाफ के लिए और यहाँ जो सरकार के खिलाफ चला जाता है, यही हिस्ट्री में हुआ था। और सामने से जुइया ने सब कुछ यहाँ पे वैसे ही अरेंज करवा दिया, और जैसा हिस्ट्री में हुआ वैसे यहाँ पे सब कुछ भाई वापस इसने दोहरा दिया। तो कहता है जुइया ने ओके लगता है सारा का सारा काम यहाँ पे हो चुका है, यानी ये सिल भी अब सामने से यहाँ पे अलग हो जाएगा, आसपास का जो भी चीज़ें थी ना यहाँ पे आसमान वगैरह सब हटने लगता है, यानी सिल अनलॉक हो रहा है। अब तीनों सिल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है, तो चौथा एरिया जहाँ पे जाएंगे, जहाँ मैं भाई पहुँच रहा था वो यहाँ पे पहुँचेंगे। जुएन खुश एंड देन ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। देखते भाई अब आगे यहाँ पे क्या होता है, सिल तो अनलॉक हो चुका है, तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।